सैलानी सुकून से घूमते थे, आज वहां लाठी चार्ज आग बरस रही है। बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हमारा हिमाचल प्रदेश जो है ये पीसफुल है, हम प्यार मोहब्बत से रहते थे, रहते हैं और आगे भी उम्मीद है इंशाल्लाह कि आगे भी आराम से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे। हाँ, कुछ शरारती लड़कों ने ये किया है, जिस इस मामले को मस्जिद से जोड़ा गया, इसकी बड़ी हम निंदा भी करते, बहुत अफसोस है। हम ऐसा नहीं है कि मस्जिद से हम कोई शरारती तत्वों को यहाँ कोई शरण देते हैं। मतलब डर तो है बना हुआ, क्योंकि जब तक इट्स अ पीसफुल प्रोटेस्ट देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर वायलेंस शुरू होता है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज इट शुड नॉट हैपन। अगर आप लोग पीसफुली लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, जो कि मेरे हिसाब से कुछ हद तक सही है कि ठीक है, इलीगली दे कैन नॉट एक्सपैंड देयर मस्जिद। पर यहाँ हो गया संजौली में कोई 35-36 साल हो गए हैं। शांति बनाए रखें क्या आप? शांति शांति ऊपर वाला शांति रखें, शांति रखे मेरा पागल के लिए, शांति सबका भला, सब मिलजुल कर रहें आराम से। दुआ तो यही कि हम प्यार से रहें, बाकी क्या है। बाकी आज तो कम लोग आए नमाज में, इस वजह से लोगों की वजह से डर गए, बाकी प्रशासन ने हमारा बिल्कुल सही हो गया। भारत एक सेकुलर देश है, धर्म निरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का सम्मान है। जो भी भावनात्मक घटनाएं होती है, भावना में भय करनी होनी चाहिए, कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है। और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है, और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए कि शांति बनाए रखनी है, और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे, यही मैं कहना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश एक शांति प्रिय प्रदेश है और कभी भी यहाँ कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट देखने को बहुत ज़्यादा आज तक मिले नहीं है, लेकिन एक परिस्थिति इस प्रकार की जो बनी है, जिस पर सरकार को संज्ञान लेने के साथ साथ में उसमें आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए थी, उसमें विलम्ब होते देख करके लोगों में गुस्सा है। और मैं इस बात को मैं देख रहा हूँ कि जो हिंदू संगठन है और यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनकी जनभावनाओं का सम्मान होना चाहिए। और साथ ही हम अपील किए हैं, पिछले कल भी किए हैं, आज भी हम कर रहे हैं कि हम शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात को रखें, कहीं भी कोई इस प्रकार का कोई घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करें। राइटफुल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, और सरकार ने भी ये चीज़ कहा है कि आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, मगर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हमारे शांतिपूर्ण माहौल में कोई वहाँ पर जो है खराबी आए या उसमें कोई इफेक्ट पड़े। उसके लिए वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस द्वारा लिए गए हैं और वहाँ पे धारा 163 वहाँ पे लगाई गई है, पुलिस की छावनी में उस एरिया को तब्दील किया गया है ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति ना बने जिससे कल को प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठे। बाकी जहाँ तक उस अवैध भवन के निर्माण की बात है, उस पर क्योंकि वो मैटर सब जूडिस है, म्यूनसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, वो वहाँ पे उसकी हियरिंग होगी तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। राहुल गांधी जी का थोथा वाक्य, डरो मत। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है, डरो मत। और कैसा वातावरण शिमला की उन शानदार वादियों में बना दिया, जहां सैलानी सुकून से घूमते थे, आज वहां लाठी चार्ज आग बरस रही है। पता है आपको, अरे शिमला की वो शानदार वादियां कभी जवाहरलाल नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन की फैमिली के साथ जहां गर्मी की छुट्टियां मनाया करते थे, आराम से सैर किया करते थे, वहां आज जाके इस ढंग का बवाल हो गया।
फिर भी कह रहे हैं डरो मत, कहां से कहां आपने हिमाचल को पहुंचा दिया। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं तो वो मामला मेरे ख्याल कोर्ट में चला है और कोर्ट उसमें जो भी इलीगल होगा या लीगल होगा उसका फैसला करेगा। लेकिन हमारा दायित्व जो है वो समुदायों के बीच शांति बनाए रखने का, और मुझे खुशी है कि इस प्रकार का कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की, प्रोटेस्ट होता रहता है। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने जो 163 BNSS का जिक्र करते हुए लगा दी, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इस तरह से कि लोगों की भावनाओं को दबाने का प्रयास है। 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और विभिन्न संगठनों के जो ऐसे लोग हैं जो समाज में अपनी आवाज उठाते रहते हैं, उनके घरों पर पहरा लगा दिया गया है, उनको घरों में ही रोक दिया गया है, ये स्थिति की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है इस मुद्दे की गहराई में जाना चाहिए और ये जो नई परिस्थितियां बनी हैं इसके कारण क्या रहे और इससे लोकल डेमोग्राफी पे कितना फर्क पड़ रहा है, ये स्थानीय लोगों में जो रोष है उसके बहुत गंभीर कारण है। और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली हैं और मुझे लगता है इसकी गहराई में इसलिए जाना जरूरी है कि भविष्य में इस तरह के प्रयास आगे ना किए जाएं। नहीं जायज तो ही, अवैध तो अवैध होता है, अवैध चाहे जब मंदिर अगर भी होता है तो अवैध तो मंदिरों को तुरंत तोड़ देती है सरकारें, लेकिन जो अवैध मस्जिद है, अवैध मदरसे हैं, रोड पे बीच में बन जाते, उसको पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अवैध तो अवैध है ना, जो वैध तरीके से है उसके लिए चलो ठीक है गाइडलाइन के ना, लेकिन जब अवैध बुचड़खाने हो, अवैध मस्जिद हो या अवैध चर्च हो या अवैध हिंदू धार्मिक स्थल हो तो स्वाभाविक ही तोड़े जाना चाहिए। तो क्यों ही मस्जिद मुस्लिम तुष्टिकरण किया जा रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। यानी आज अवैध मस्जिद को संरक्षण किया जा रहा है, कल अवैध लोगों को किया जाएगा। जब BJP के कार्यकाल में मस्जिद बना, अवैध मस्जिद बना, तो अब ये है तो इनको तुरंत उसको हटाना चाहिए कि भाई BJP के कार्यकाल में गलत हुआ, हम हटा रहे हैं इसको, हटा दो ना, उस पर क्या हुआ आपत्ति है। अगर किसी ने कर दिया स्थानीय लेवल पे BJP के किसी ने, मान लो उसके वो में कर दिया, अब BJP थोड़े जाके कह रही कि तू बनाओ या कोई भी पार्टी थोड़े कहती है, तो अब तो तुम्हारी सरकार है, उसको तो तुम हटाओ ना, हटाते क्यों नहीं हमारी चीज़ों को। क्या अगर जो कोई इसका मतलब तुम प्रमाण पत्र दे रहे हो कि विपक्ष पे जो भी होगा अगर अवैध कुछ भी कर देगा तो हम उसको छुएंगे नहीं, तो ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं है, कार्रवाई का विषय है। और वहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं हम उनका पूरी तरह से अभिनंदन करते हैं और समर्थन करते हैं, और वो ठीक है, ये देश ये सच्चे राष्ट्रभक्त है। देखिए ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला है, जो संजौली में मस्जिद बनी हुई है उसका मामला है, और आज ये बकफ बोर्ड को पार्टी बनाया हुआ तो रिप्लाई के लिए लगा हुआ था आज, तो इसमें उन्होंने जवाब दिया और इसमें स्थानीय लोगों की तरफ से भी एक एप्लीकेशन आई 110 की पार्टी बनने के लिए, और ये आगे अब जय साहब की रिपोर्ट के लिए लगा हुआ है जो आगे 5-10 को आगे अगली तारीख पड़ी हुई है। SP बक्का बोर्ड को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला ने नोटिस जारी किया था अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसका हमने आज रिप्लाई सबमिट करा और डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करे। इशू कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है वो अभी कोर्ट में सब्जुडिस है, उसका तो अभी डिसीजन होगा, कोर्ट डिसाइड करेगी। आज कोर्ट ने ओनरशिप के बारे में पूछा तो हमने रिप्लाई और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से कोर्ट को बताया कि 1947 में जब वक्फ सर्वे हुआ था, वक्फ प्रॉपर्टीज़ का थ्रॉट इंडिया सर्वे हुआ था, तब से प्रॉपर्टी 1947 से लेकर के मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद रेवेन्यू एजेंसी के लिए वैसे वक्फ बोर्ड ने कई बार एंट्रीज करेक्ट करने के लिए लिखा, लेकिन करेक्शन नहीं हुई। बाकी जेई कंसर्न्ड एक लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट देंगे प्रॉपर्टीज़ की, कंस्ट्रक्शन की और बाकी सब चीज़ों की, उसका हम डिटेल रिप्लाई फाइल करेंगे नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग में।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।